सो गाइस जैसे कि आपने पिछले वाली वीडियो के अंदर देखा होगा वॉच डॉग्स के जो हमारा पार्ट सेकंड था, तो कैसे हमने ना CTOS में जाकर अपना सारा पूरा प्रोफाइल डिलीट कर दिया वहां से, और जैसे ही हम बाहर निकले और हमें कोई पकड़ के पता नहीं कहां पे लेके जाने वाला था। 2013 के अंदर स्मार्ट सिटी का प्रॉमिस पूरा हुआ CTOS की मदद से, एक सिटी वाइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सर्वेलेंस सिक्योरिटी को मर्ज कर रहा था बड़े डाटा के साथ, और बस कुछ 100 लाइंस कोड्स की मदद से जो हैकर्स थे हाईजैक कर सकते थे सेंट्रल सर्वर्स को, और जो पूरी ग्रिड थी इसको एक ही बार में क्रिपल कर सकते थे। बहुत लोगों को ऐसा लगता था जो अटैक्स हो रहे हैं वो है ना सिटी की डेवलपमेंट को रोकने के लिए हो रहे हैं, पर वो गलत थे। सिलिकॉन वैली के बिल्कुल हर्ट से ये कोऑर्डिनेट हो रहा था CTOS 2.0, और बिल्कुल पूरे यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स की स्टार्टिंग थी। अब 6.4 बिलियन डिवाइसेस कनेक्टेड पॉइंट्स के तौर में काम कर रहे थे और डेली रूटीन को बिल्कुल मैप करे जा रहे थे, बट मेन चीज ये है कि ये सारी बातों को सुन कौन रहा था। बिग ब्रदर अब अकेला काम नहीं कर रहा था, थाउजेंड्स ऑफ लिटिल ब्रदर थे वो सारे जो हमारे डेली के एक्शंस होते थे उनको हमेशा देख रहे होते थे और एक कंप्लीट पूरा प्रोफाइल बनाते थे जो कि बेची जाए, और खिलौनों को भी नहीं छोड़ा गया, खिलौने सारे मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करता रहता था जो बच्चे करता था, और वो मार्केटर्स को प्रोवाइड हुआ जाते थे, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस थे उनकी मदद से भी बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ जाता था। और अब ये जो हमारे जो मोबाइल्स होते हैं और व्हीकल्स होते हैं इनका कंट्रोल है ना कभी भी ब्रीच करा जा सकता है, कोई भी इसका कंट्रोल ब्रीच कर सकता है, और साथ ही में जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करती है ताकि हमारी लाइफ हैबिट्स को मॉनिटर कर सकें, और जो हमारा इंश्योरर उसकी लिमिट को सेट कर सकते हैं और फिर बाद में डिनाई भी कर सकते हैं उसे, उसको परखने के बाद कि आपका कैंसर इलाज के लायक है भी या नहीं। सर्च रिजल्ट और न्यूज होती है वो हमें बायस्ड वोट में फीड करी जाती है ताकि अपना वोट को इन्फ्लुएंस कर सकें। आज की डेट में ना हम लोग लेस वैल्यूएबल हैं जितना हम डाटा प्रोवाइड कर देते हैं कंपेयर करें तो, ये एक नया सच है। अंधेरे में जाना आप कोई ऑप्शन नहीं रहा, पर्सनल फ्रीडम के बढ़ते खतरे के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी विसल ब्लोअर एक्टिविस्ट और जो हैकर हैं इन्होंने जंग शुरू कर दी है, लेकिन क्या ये खुद के लिए खतरा है या फिर फ्रीडम की ये आखिरी लाइन बच चुके हैं? और गाइस ये था पूरा इंट्रोडक्शन हैकर्स का, पर यार इसको यहाँ पर लेकर आया गया है मिट्टी वाली जगह पर, कोई अच्छा पानी भी है यार, ये किसी नदी के पास में लेकर आ गए ये, पर यार ये इनसे ऐसा क्यों पूछ रहा है? तो मैं अंदर हूँ ऐसा इसने अभी बोला। वेलकम टू डेडसेक। तो गाइस हमने डेडसेक के अंदर एंट्री ले ली और डेडसेक के बारे में मैं चलो आपको चलते चलते बता दूंगा, बट अभी पहले इनकी बातों पर ध्यान देते हैं। तो इंट्रोडक्शन करा तो यार ये लड़की बता रही कि मैं सितारा हूँ और ये स्वीट हार्ट जोश है AKA हॉट सॉस। यो तुम ही हो हॉट सॉस मैन, मैं तुम्हारे फ्रेट हाउस हैक्स से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ सच्ची बात, और ये अजीब सा रेंच है बहुतों की जरूरत, और ये कैसे न हुआ हॉरेशियो है। तो गैस यहाँ पर इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है, तो मैं इन सभी से बोलता हूँ यही है तो क्रियो अपनी, तुम सबको मुझे पाने के लिए काफ़ी समय लगा। शिट CTOS जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेट नहीं करती, जिस अमाउंट में उसके पास पर्सनल डाटा है वो चीज़ सच्ची में माइंड ब्लोइंग है भाई। दूसरा बंदा कहता है जो बिग ब्रदर और लिटिल ब्रदर हैं ये सब एक हो गए हैं, ये आपने जो भी चीज़ें करी हैं उन चीज़ों को देखता है और आपको बताता है। जब भी फिर लड़की बोलती है तो क्या ठीक है, तभी यार ये टेक्निकल सा बंदा बोलता है कि हथौड़ा और आग, नहीं आग पर हथौड़ा, ओ सॉरी, मतलब इसको खुद को नहीं कुछ पता चल पा रहा कहना क्या है। इतना सारा डाटा एक जगह पर रहने का मतलब पता है क्या है, वो तुम्हारी एप्लीकेशन फॉर्म को भी रिजेक्ट कर सकते हैं जब तुम उससे पहले क्लिक करो, उससे भी पहले कर सकते हैं ये रिजेक्ट, तुम्हारा घर और तुम्हारा इंश्योरेंस सब कुछ। खैर ये सबसे खराब सिनेरियो भी नहीं है, सारा डाटा गवर्नमेंट्स के हैंड के अंदर, वो तुम्हें अरेस्ट कर सकते हैं तुम्हारे उस काम को करने से पहले जो तुम करने जा रहे हो। तो भाई मैं यहाँ पे जवाब देता हूँ, हाँ मैं वहाँ पर था और अब मैं जानता हूँ कि ऐसा क्यों है, इसको छोड़ो रहने दो। मैं कहता हूँ भाई साहब हम हैकर हैं, हम सोचते हैं, हम करते हैं और हम एंड में दीवार फाड़ देते हैं। अरे सबको दिखाओ आदमी को करना क्या है, अरे दुनिया को दिखाओ कि जो उनका पर्सनल डाटा है उससे उनकी कैसे फ्रीडम को लूटा जा रहा है। सब शांत हो गए भाई, और अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मैंने है ना बैकडोर को इंस्टॉल कर दिया है, बस हमें ये करना है कि उसके थ्रू बस अब हमको चल के जाना है। तो भाई ये हैरान हो गए, मतलब ये बंदा कह रहा है कि क्या तुमने क्या करा? तो भाई वो दूसरा बंदा बताता है इसने बैकडोर को इंस्टॉल कर दिया और बस हमें ये काम करना है कि इनको चल के जाना है।
ये क्या दिख रहा है ऐसे यार? और भाई ये इससे चलते चलते क्या बोल रहा है? अच्छा टाइम की पूछ रहा है भाई ये। भाई फोन ही गिर गया इसका नशे नशे में। भाई इसका फोन उठा के इसने टाइम देख लिया खुद ही। भाई दारू इतनी सारी पी ली और उसके बारे में सोच सोच के तो भाई जहाँ पे टॉयलेट कर रहा था वहीं पर ही गिर पड़ा। ऐसे टॉयलेट ही कर रहा था यार, ऐसे खड़ा खड़ा मेरे को ऐसा लगा। तो भाई अब कहाँ का सीन आएगा, चलो देखते हैं। इसको यार इस रूम तक लेकर कौन आया भाई? अबे स्कर्ट? अबे दारू पी पी के क्या स्कर्ट भी पहनने लग जाता है क्या? भाई इसका फोन पता नहीं कहाँ पे चले गया। तो यार इसका दोस्त बताता है ओशियन के अंदर तुमने जहाँ पर फेंक दिया था। तो भाई हमें है ना हैकर स्पेस में मिलने के लिए बुलाया गया है, और साथ ही में मेरे दोस्त ने कहा है कि उन पिक्स को चेक करो और पता लगाओ। भाई जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड से देख सकते हो कि कितनी सारी इसने बोतल लगा कर रखी हुई हैं। भाई उठने की अब कोशिश कर रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा और उठ भी नहीं पा रहा यार, देख रहे हो? भाई इसके तो हक्के बक्के से उड़ गए, कह रहा है कि कहाँ पर आ गया हूँ मैं, किसकी जगह पर हूँ। ओ ये बात है क्या? ये रहा वो नज़ारा जो कि हम रात के टाइम पर देख रहे थे, बट अभी ये सुबह का टाइम। अच्छा भाई ये तो अभी बस शुरुआत है, अभी आगे देखो भाई होता है क्या। ये तो भाई पूरा का पूरा हल्ला बोल कर देंगे सिटी के अंदर। देखते हैं यार क्या क्या होता है आगे, खेल खेल के पता चलेगा। यहाँ पर तो खैर यार बहुत सारी बोट्स हमको चलाने को दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर मैं ये रहा भाई यूनिकॉर्न का सैमर बनना है मेरे घुटने पर, देख रहे हो? और भाई देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इसने कपड़े ना पहने ना उतारे ये सीधा वहां से उठकर आ गया है। सो गाइस ये था कुछ इंट्रो वॉच डॉग्स 2 का गेम स्टार्ट होने से पहले का। तो यार ये जो इंट्रो था हमने देख लिया, और यार इंट्रो ही इंट्रो पे इतनी बड़ी वीडियो बन गई, दो वीडियो इससे भी पहले की पड़ी हुई हैं। तो यार यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस बनने वाली हैं, क्योंकि यार जब इंट्रो के अंदर ही हमारी इतनी सारी वीडियो बन गई, खैर दो यानी कि तीन, ये तीसरी है ना, तो यार तीन वीडियो बन गई हमारी इंट्रो में ही। तो यार होने तो यार बहुत कुछ धमाल वाला है इसके अंदर। और भी ऐसी कमेंट्री के साथ में नए गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अनएंडिंग गेमर। और अगर आपको यार ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना जो कि हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और आई थिंक यार जो भी बंदा पहली बार हैकिंग के बारे में सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है इन सारी चीज़ों में। और यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इसको शेयर करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है भाई कि आपको ये गेम कैसा लगा, और भाई इसके जो भी और सारे वीडियोज़ मैंने बनाए वो कैसे लगे, और भाई उनके अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है मेरे लिए वीडियो के अंदर तो यार उसको भी बता देना। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में।